नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर के साथ जरा शुरुआत करें। दिल्ली में आज बीजेपी केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने NH-24 पर चक्का जाम किया, जिस वजह से लंबा ट्रैफिक जाम तस्वीरों में भी आप देखिए लग चुका है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें वहां पर देखी जा रही हैं। कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त लोगों के दिख रहे हैं और प्रदर्शन की वजह से ये NH-24 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लंबा जाम इस वक्त आम लोग फंसे हुए हैं अपनी गाड़ियों में। दिल्ली में आज बीजेपी केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी प्रदर्शन को लेकर पार्टी कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने NH-24 पर चक्का जाम किया, जिसकी वजह से ये जाम लगा है। जाम जैसे हालात इस वजह से पैदा हुए हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी आप कतारें जरा देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही गाड़ियां दिख रही होंगी, कई किलोमीटर लंबा ये जाम बताया जा रहा है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हालांकि पुलिस ने अब हिरासत में लिया, ताकि वहां जो चक्का जाम की स्थिति है उसको खत्म किया जा सके। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर, जिसकी वजह से आम लोग बेहद परेशान, लंबा जाम। यहां पर शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का ये चक्का जाम है और उसको लेकर वहां पर हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, ताकि उन लोगों को वहां से हटाया जा सके और जो ये कई किलोमीटर लंबा जाम दिख रहा है ये खुल सके। लेकिन अभी भी स्थितियां कुछ ऐसी, गाड़ी रेंगती हुई कई जगहों पर, तो गाड़ियां एकदम ठप पड़ी हैं, आगे बढ़ने का रास्ता तक नहीं है। तो ये तस्वीर दिल्ली की NH-24 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो शराब नीति के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं और इसीलिए रास्ता विरोध का चुना गया बीजेपी की तरफ से, चक्का जाम का, जिसके बाद लंबा जाम यहां पर लग चुका है। सुशांत मेहरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके अपडेट के साथ। सुशांत, किस तरीके से अब जाम को खुलवाने की तैयारी है? देखिए अर्पिता, मैं बताना चाहूँगा कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास बीजेपी की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया था और पूरी दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो हर इलाके में, चाहे वो NH-24 हो, लक्ष्मी नगर हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, इसके अलावा अगर बात की जाए ITO, तमाम इलाकों पर इस वक्त भारी जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त ITO के पास यहाँ पर मौजूद हूँ और लंबी जाम की कतारें जो है पिछले 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पर लगी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को जो है वो खोला जाए। हालांकि NH-24 को जो है वो फिलहाल धीरे धीरे करके जो है ट्रैफिक को मूवमेंट जो है आगे तरफ करने की शुरुआत जो है वो शुरू हो गई है और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो ITO की तरफ और लक्ष्मी नगर की तरफ काफी लंबा जाम जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। ठीक है सुशांत, क्या कोई जानकारी इस बाबत भी कि आखिरकार क्या हिरासत में लिए गए बीजेपी के कार्यकर्ता कितने और क्या सभी लोगों को हटा लिया गया है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी बीजेपी के अलग अलग इलाकों में जो नेता थे, अध्यक्ष थे बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के, उन सबको पुलिस ने फिलहाल जो है वो डिटेन कर लिया है, उनको हिरासत में लेकर के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। इसके अलावा जिस तरीके की जाम की तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशान कर रही, क्योंकि सोमवार का दिन था, पहला दिन है, वर्किंग डे होता है और ऐसे में लंबी जाम की कतारें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए, सिग्नेचर ब्रिज को पूरी तरह से पैक कर दिया गया, इसके अलावा NH-24 को, NH-7 को, साउथ दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर जो है वो भारी जाम की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अभी आप देखेंगे ITO की तरफ जाने वाला रूट है और लंबी कतारें जो है वो इस वक्त यहाँ पर जाम की देखने को मिल रही हैं और लगातार यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो ट्रैफिक की है और ये रूट जो है वो लक्ष्मी नगर प्रीतविहार से आने वाला विकास मार्ग वाले वाला रूट है और लोगों को पिछले कई घंटों से इसी जाम से जो है वो जूझना पड़ रहा है, क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर के बीजेपी जो है वो सड़कों पर है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव नजदीक और ऐसे में बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगा है केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर के बौखला गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 3500 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के बचाए हैं और ऐसे में दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम बीजेपी जो है वो कर रही है। ये अब राजनीतिक मुद्दा जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो दिल्ली के अंदर शुरू हो गया। ठीक है, यानी ये आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर सीधी तस्वीरें अगर आप देखिए तो वो लोग जो ऑफिस के लिए निकले, किसी काम के लिए निकले, वो लंबे भारी जाम में इस वक्त फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम, ये दिल्ली के अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा थामे हुए इस वक्त देखिए वहां चक्का जाम उन्होंने किया, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा। फिलहाल पुलिस ने कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, रास्ता खुलवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज सोमवार पहला दिन ही जिस तरीके से यहां पर जाम की स्थिति है, लोगों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ा।
लोग अभी भी जाम में फंसे हुए हैं, गाड़ियां कई जगहों पर रेंगती हुई चल रही है, लेकिन कोशिश उस वक्त प्रशासन की यही कि जल्द से जल्द जाम जैसे हालात ठीक किए जाए, खुलवाए जाए, ताकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और अब बात बच्चों के टीके रूपी सुरक्षा कवच की। तो कुल मिलाकर इस आयु वर्ग यानी 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे, साथ ही साथ अलग जगहों की हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड से कुछ रिपोर्टर भी होंगे जो बताएंगे इस वक्त ये ड्राइव कैसे आगे चल रही है और आपके मन में जो सवाल है वो डॉक्टरों से जानेंगे। लेकिन इस बीच सबसे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर, अहमदाबाद, डिब्रूगढ़, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू और नोएडा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। बच्चे खासे उत्साहित, रजिस्ट्रेशन कराकर कोविन ऐप पर बच्चे यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि सुविधा तो ये भी दी गई है कि आप वॉक इन करके, यानी अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी वहां पहुंचते हैं तो अगर आप उसी आयु सीमा वर्ग के बच्चे हैं आपके साथ या वो बच्चे पहुंचते हैं तो उनको टीकाकरण किया जाएगा। पहली डोज ये लग रही है और इस डोज के बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज भी लगनी है, उसकी तैयारी भी आगे की जानी है। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी तो ये कि ये बात समझना होगा कि टीकाकरण लग जरूर रहा है लेकिन ये अभी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होगी जब तक दूसरी डोज ना लग जाए और उसके बाद भी इंतजार करना होगा, यानी लापरवाही नहीं करनी होगी। दो सहयोगी दिल्ली से और जयपुर से जुड़ चुके हैं, श्रुतिका हमारे साथ दिल्ली से हैं और देव अंकुर हमारे साथ जयपुर से हैं। श्रुतिका जरा दिल्ली का हाल बताइए, कितने लोगों को अभी तक लग चुका है टीका? यहाँ पर जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, एसडीएमसी प्राइमरी आरकेपुरम का स्कूल है ये दिल्ली का, यहाँ पे सुबह से ही बच्चों का आना शुरू हो गया था और करीबन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए लग रहे हैं वो 50 है, साथ ही साथ 150 जो कि यहाँ पे टोकन दिए जा रहे हैं जिनके जरिए यहाँ पे लग रहे हैं। अगर मैं आपको हाल दिखाऊँ तो ये वेटिंग एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वक्त बच्चे कुछ इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ से वैक्सीन लगवा के बच्चे जा चुके हैं तो इनसे जान भी सकते हैं कि क्या उनका अनुभव है, क्या किसी तरीके का कोई सिम्टम आया है आपको, कोई भी एडवर्स इफेक्ट आया है आपको? नहीं आया। कोई तकलीफ, दर्द? नहीं मैम। तो बच्चों से कोई भी तकलीफ या दर्द उनको नहीं, आपको कोई परेशानी हुई है? कुछ भी नहीं। तो कोई कैसा अनुभव रहा वैक्सीन का? नहीं, वैसे सही, नॉर्मल नॉर्मल रहा है। और बाकी उन लोगों को कुछ कहेंगे जो लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं? लगवाओ वैक्सीन, क्या कुछ डर नहीं है, डर नहीं है, लगवाना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए। बच्चों का भी कहना है कि वैक्सीन, ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ श्रुतिका। और देखिए अलग अलग जगहों पर जहां पर ये ड्राइव चल रही है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं सेंटर्स में, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं बच्चों के बीच में और उनके सामने पहुंचकर उनका उत्साह वर्धन करते हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को भी जल्द से जल्द दोनों डोज लग जाए और उसके बाद तैयारी 12 से 15 के बीच की होगी ताकि जल्द से जल्द हर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लग जाए, ताकि जो खतरा नए वेरिएंट के तौर पर हमारे सामने आता है, जैसे अभी हमारे सामने ओमिक्रॉन है, उस खतरे से कैसे निपटा जाए वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है इसका संक्रमण बहुत तेज है लेकिन इसमें बहुत गंभीर स्थिति नहीं बनती, अस्पताल में एडमिट करने की अभी कोई नौबत नहीं आ रही। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये कहा गया है कि जैसे जैसे ये केसेस बढ़ेंगे तो हो सकता है इसकी गंभीरता भी बढ़े, इसलिए हल्के में ओमिक्रॉन वेरिएंट को नहीं लेना है, सतर्कता वैसी ही रखनी है जैसे हमने दूसरी लहर और पहली लहर में रखी थी। इस वक्त डॉक्टर मनिंदर धालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं बाल चिकित्सा क्रिटिकल केयर यूनिट के मेदांता के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चे खासे उत्साहित हैं, ये आयु वर्ग जो पहुंचा है वो
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में थोड़ी शंका भी है। एक तरफ आप उत्साहित हैं कि चलिए टीकाकरण हो गया, हम थोड़े सुरक्षित हो गए, लेकिन दूसरी तरफ चिंता और डर इस बात की कि क्या बुखार आ जाएगा, क्या कुछ और हो सकता है, डर इस बात का कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, खासतौर पर बच्चों के मन पे, उनके मन से ये डर कैसे भगाएंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। खुशी की बात है कि वैक्सीन रिलीज हो गई है इंडिया में और अच्छी तरह लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ बच्चे हैं उनको हमेशा डाउट रहेगा कि वैक्सीन लगाने से बुखार आएगा या दर्द होगा। अभी स्टडी रिलीज हो गई है, इंडिया ने जो स्टडी करी थी उसमें बताया गया है कि मेजर साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, हल्का मल्का बुखार सिर्फ 25% बच्चों में देखा गया है और मेजर साइड इफेक्ट ना है, और बल्कि एफिकेसी इनकी बहुत अच्छी है, बल्कि एडल्ट से ज्यादा एफिकेसी है, मतलब वैक्सीन लगाओगे 90% से ऊपर इनका सुरक्षा लेवल है, सो इट्स वेरी गुड। एंड इस हेजिटेंसी को निकालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा, जो बच्चे यहाँ से निकले हैं इंजेक्शन लगा के वो अपने साथियों को बताएंगे और इसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव कामयाब हो। ठीक, डॉक्टर मनिंदर धारीवाल, क्या आप ऐसा मानेंगे, क्योंकि अभी कई डॉक्टर हम लोगों के साथ जुड़े, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो वक्त है, क्योंकि ये बताया जा रहा है चलिए आज पहली डोज लगेगी, 28 दिन के बाद दूसरी डोज लग जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी बनने में वक्त लगेगा और ऐसे वक्त पर खतरा हमारे सामने, देखिए तीसरी लहर का ओमिक्रॉन वेरियंट का है, क्या ये थोड़े पहले हो जाना चाहिए तब हम ज्यादा सुरक्षित होते, या अभी हमको सारे प्रिकॉशन रखने हैं वैसे ही कि जब तक आपका अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती घर से ना निकले, सारे एहतियाती कदम उठाएं? एक तो हम बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर आपके दो शॉट इंजेक्शन के लग भी गए उसके बाद भी आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखना है। वैक्सीन से आपको सुरक्षा मिलेगी लेकिन आपके दौरान दूसरे बच्चों को लग सकता है, तो अपना मास्क और ये सब पहन के रखना है। और जहां तक देरी की बात है, कोई देरी नहीं हुई है, हम बिल्कुल सही समय पे ओपन कर रहे हैं वैक्सीनेशन। अब ओपन किया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वी शुड प्रमोट इट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इस वक्त डॉक्टर बीजल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाल चिकित्सक हैं, एलएच हीरानंदानी अस्पताल मुंबई से वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आपसे एक सवाल लेना चाह रही हूं कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस ड्राइव को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन थोड़े कम हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वॉक इन भी, यानी लोग ऐसे भी बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि उतना ही उत्साह है या आपको लग रहा है थोड़ा डर भी है जिसको आपको लगता है कि क्लियर करने की जरूरत है? नहीं, ये तो हमेशा होता है कि कुछ भी नई चीज आई तो थोड़ा सा डर तो रहेगा ही, लेकिन अभी हमें डेटा है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में भी 11-12 साल के ऊपर के बच्चों को भी लगा है और उसको भी 3-4 महीना हो गया, बहुत सारे बच्चों को वर्ल्ड में लग चुके हैं और उनके अंदर जो हमने साइड इफेक्ट्स देखे हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन माइल्ड फीवर, माइल्ड बॉडी एक, मतलब दर्द होना, ये सब चीजें हर वैक्सीन, जैसे बच्चों लोग को तो आदत होती है कि वैक्सीन, पेरेंट्स को भी मालूम है कि थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स हर बच्चे को होते हैं, लेकिन ये सीवियर साइड इफेक्ट्स ज्यादातर वर्ल्ड और यहाँ पे जब भी कोवैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं तो उसमें नहीं देखे है, इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है। और हमें तो ये जो नया ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया है उसमें ये देखा गया है कि जिनको पहले बार वैक्सीन लगी है, जैसे अडल्ट पॉपुलेशन है, और जिनको कोविड हो चुका है उन लोगों में ये ओमाइक्रॉन उनमें भी हो रहा है, तो हमारे पास जो एक चीज है जिससे हम ये वैक्सीन, जैसे ये इन्फेक्शन से रह सके, वो है वैक्सीनेशन। इसीलिए मेरे हिसाब से ये एज ग्रुप को तो अच्छा है कि वी हैव हमने ये चालू किया है, ये बिना डरे सब पेरेंट्स को आके ये वैक्सीन लेना चाहिए क्योंकि कोवैक्सीन काफी सेफ है, ये अडल्ट के कोवैक्सीन से भी हमें मालूम है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर समीर भाटी भी हैं जो कि मेंबर वैक्सीनेशन कमेटी के हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब, ये जब लोग बच्चे पहुंच रहे हैं, वैक्सीन जब उनको लग रही है तो उनके लंबाई, उनकी वजन, उनका ब्लड प्रेशर, इनको भी चेक करने की बात आ रही है, क्या हर जगह ये हो रहा है और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हाँ देखिए, इस तरह के ये सब पैरामीटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बच्चों का स्पेसिफिकली मैं बात करूं दिल्ली की, तो हम तो सुबह से देख रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव, पेरेंट्स में, अभिभावकों में भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और बच्चे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब उनको लग रहा है कि नेशनल वैक्सीनेशन जो ड्राइव है हम भी इसका एक पार्ट बन पा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी फास्ट, दिल्ली की मैं बात करूं तो काफी जो है तेजी से चल रहे हैं, इसके बाद वॉक इन भी काफी आ रहे हैं और बच्चे अकेले भी आ रहे हैं, बिना पेरेंट्स के भी बच्चे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 15 से लेकर 18 साल का ग्रुप
ग्रुप है तो वो बच्चे खुद अपनी आईडी लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने सुबह से जितनी भी वैक्सीन लगभग हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में 40 के करीब बच्चों को लगी है, कोई किसी तरह का माइल्ड साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिला और बच्चे भी अपनी जैसे सेल्फी पॉइंट पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उन बच्चों को देख के बाकी और बच्चे भी आएंगे वैक्सीन को लगाने के लिए। बाकी किसी भी बच्चे के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा सिम्टम देखा नहीं गया और पेरेंट्स भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। डॉक्टर मनिंदर धालीवाल, देखिए क्योंकि बच्चे काफी उत्साहित हैं, इसके हिस्सा बन रहे हैं, जाहिर तौर पर वो खुशी तो जरूर वो महसूस कर रहे होंगे, लेकिन किस तरीके के सिम्टम, मतलब जब जैसे बड़े लोगों को जब वैक्सीन लगी तो सेम सिम्टम्स बच्चों को भी जब वैक्सीन लगेगी होगी या कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है? तो जो स्टडी करी गई है बच्चों में अभी, उसमें पाया गया है कि 25% बच्चों को थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ, वो भी 6 से 8 घंटे बाद, एंड वो भी 24 घंटे में चला गया। थोड़ा बहुत हल्का बुखार हुआ उनको और थोड़ा बॉडी टायर्डनेस हुई, जो एक डोज पैरेस्टामोल से सॉल्व हो गया एंड कोई मेजर साइड इफेक्ट आया नहीं। सो एज अ पेरेंट हमें घबराने की बात नहीं है और बच्चों को अगर यहाँ दर्द होता है तो हल्का पानी, ठंडा पानी लगा लेंगे तो वो भी बेटर हो जाएगा। ओवरऑल इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन। अच्छा, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विवेक गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं, बाल चिकित्सक हैं फोर्टिस अस्पताल के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गोस्वामी साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे क्या डरे हुए हैं क्योंकि जिस नंबर पे पहुंच रहे हैं, क्या कोई डर उनके अंदर हो सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो क्या आप मान रहे हैं कि यही परफेक्ट टाइम है या थोड़े दिन पहले ही नवम्बर एंड तक या दिसंबर के शुरू होने पर ये पहली डोज दे देनी चाहिए थी बच्चों को? देखिए, जहाँ तक डर का माहौल है, ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन है जिसमें एक रैपिड स्पाइक आने की पूरी पूरी संभावना है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका और यूएस में देखा है। सो डिजीज सिवियरिटी उतनी सी नहीं है जितनी डेल्टा में देखी गई है, बट बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस विल बी वेरी हाई, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिक पेशेंट्स विल मेक अ ह्यूज नंबर इन इंडिया। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ द ओनली वे यू कैन प्रिपेयर इज, वन, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको ऑब्जर्व करना जरूरी है, और दूसरा है वैक्सीनेशन। रेट्रोस्पेक्शन में यस, हम कह सकते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव 1 महीना पहले हुआ होता तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट और बेटर होता, बट देर आए दुरुस्त आए। जब भी हम स्टार्ट करें, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद द फुल फोर्स एंड वी शुड ट्राई टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिजीज। डॉक्टर बीजू श्रीवास्तव, जो बच्चे हैं, देखिए पेरेंट्स को कई बार लग रहा है कि शायद बच्चों में उतना खतरनाक नहीं होगा, ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे र्यूमर्स भी हैं जो आप एक डॉक्टर के तौर पर क्लियर कर सकती हैं। ओमिक्रॉन भी बताया जा रहा है कि संक्रमण तो बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन खतरनाक इतना नहीं है, तो क्या लोग जो ये सोच रहे हैं, जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अभी क्या जरूरत है वैक्सीनेशन कराने की, उनको क्या कहेंगे और इस तरीके के अगर भ्रम है मन में तो कैसे दूर करेंगे? तो क्या है कि जब भी डेल्टा वेव, सेकेंड वेव जो अपना हुआ था, उसके बाद बहुत सारे जो भी फैमिलीज में हुए थे इन्फेक्शन, उनमें बच्चों को भी हो गया था। और जब भी जून जुलाई का सर्वे हुआ था उसमें काफी बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी, मतलब एंटीबॉडीज आ गई थी। लेकिन ये है कि हम लोगों ने और वर्ल्ड ओवर हमने जो लॉन्ग टर्म इश्यूज देखे हैं कोविड के, जो बच्चों में जिसमें हार्ट और उनके ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, उसको MISC हम बोलते हैं। और एक जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कोविड। वो लॉन्ग टर्म कोविड में थोड़ा सा बॉडी एक रहना, थोड़ा हेडेक रहना, वीकनेस रहना, वो जो पहले जैसा जो वेल बीइंग है वो बच्चों में भी देखा गया है, जो अडल्ट्स में देखा हुआ है। और ये वायरस ब्रेन टिश्यू में भी मिला है, स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड भी मिला हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कोविड हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि माइल्ड केस होने के बावजूद भी ये लॉन्ग टर्म इश्यूज बच्चों में हो सकते हैं। इसकी वजह से और थोड़े से परसेंटेज तो रहेंगे ही जो एडमिट होंगे और जिनको आईसीयू लगेगा, तो ये हमें मालूम नहीं है किसको, कौन वो बच्चा होगा जिसको ये बुरा वक्त आ सकता है। स्पेशली जिनको अंडरलाइन कोई इश्यूज है, जैसे कि हार्ट के इश्यूज हो, ब्रेन के इश्यूज हो, जिनको लिवर किडनी के इश्यूज हो, स्पेशली जिनको मोटापा हो, इन लोगों में कोविड के जो इन्फेक्शन की सिवियरिटी है वो काफी ज्यादा मानी गई है। और ये डेटा है जो इंडिया में भी है और वर्ल्ड ओवर है। तो हमें नहीं चाहिए कि कोई एक अच्छी सी चीज मिल गई है जो वैक्सीन है, और ये वैक्सीन काफी सेफ है, तो हमें जरूरी है कि ये वैक्सीन लगा के, और जैसे सब बोल रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ,
हमें ये ओमाइक्रॉन का जो थ्रेट है जी वो नेक्स्ट 1.5 मंथ में काफी बढ़ने वाला है. ऑलरेडी पीक आना चालू हो गया है, नेक्स्ट 3 वीक्स में पीक आ जाएगा. तो जितना हो सके हम प्रोटेक्शन कर यानी सके तो देखिए, हमें सबसे जरूरी बात तो यही है कि पहले तो वैक्सीनेशन ड्राइव का आप भी हिस्सा बनिए, जल्द से जल्द वैक्सीनेट होइए, और उसके अलावा जो बिहेवियर है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो भी आपको पालन उसका करना है. मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करने की बहुत जरूरत है. तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे.